एक बहुत ही उपयोगी एक द्रव्य है जिसका नाम है क्रव्याद रस। वो बताने के लिए आया हूँ। क्रव्याद रस आप लोग को पता है कि क्रव्याद रस जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ दीपन पाचन द्रव्य है। और क्रव्याद रस जो है उसको ना जो पित्त प्रकृति वाले लोग रहते हैं उनमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें चित्रक है। तो चित्रक का ध्यान रख के और आगे देखना चाहिए कि क्रव्याद रस नहीं देना चाहिए। क्रव्याद शब्द का अगर हम लोग व्युत्पत्ति देखेंगे तो क्रव्याद का मतलब होता है कच्चा मांस। जो लोग ना मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं, कच्चा मांस बहुत ज़्यादा खाते थे पहले के ज़माने में, तो उनको ध्यान में रख के कि उनका पाचन क्रिया अच्छी हो जाए, इसलिए क्रव्याद ऐसे मांस को पचाने के लिए जो मेडिसिन बनाई है वह है क्रव्याद रस। तो इसके बारे में मैं देखता हूँ, मैं अभी आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो पहले हम लोग श्लोक में देखेंगे कि योग रत्नाकर नाम का जो पुस्तक है उसमें क्रव्याद रस के बारे में क्या बताया गया है, और फिर उसके कंटेंट्स क्या है, उसको बनाने की विधि क्या है, उसके बाद में इसके घटक द्रव्यों का कार्य कैसे होता है, कौन कौन सी अवस्थाओं में कौन कौन सी व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, अंशांश कल्पना से क्या महत्व है और इसका कब नहीं देना चाहिए यह भी जानना बहुत जरूरी है। इसके हर मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होता है कि अगर इनको दे दिया तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, तो यह जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं डिटेल में आप लोगों को सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। तो पहले तो योग रत्नाकर में इसका उल्लेख है, और कोई ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है, केवल योग रत्नाकर में ही इसका उल्लेख है। तो योग रत्नाकर में अग्निमान्य रोगाधिकार में इसके बारे में बताया गया है। तो क्रव्याद रस का पहले मैं श्लोक बोलता हूँ, फिर उसके बाद में मैं इसका विधि बताऊंगा, फिर गुणधर्म बताऊंगा कि इसका क्या कार्य रहता है। तो ऐसा बताते हैं कि द्विपलम गंधकम शुद्धा शुद्धम द्रावयित्वा विनिक्षिपेत, द्विपलम गंधकम शुद्धम द्रावयित्वा विनिक्षिपेत, पार्दम पलमानेन मृत शुल्वायसी पुनः कर्षमानेन समिश। चुल्य चुल्यम निषेव यत्नेन चाले मृदु वहनिना पात्रम पात्रम ये जंबीर रसम तत्र प्रचारेत, पंचकोल समुद्भूते कषाय साम्लवेत सही भावना खलु खलु दातव्यः पंचाशत प्रमिताः भ्रष्ट टंकन चूर्णेन तुल्यन सह मेर मेलेत, तदर्धे पंचलवण हे सर तुल्य मरीचकैः सप्तदा भावे पश्चात चणक क्षार वारिणा ततः संशोध्य संपेश्य कुंभिकाम्बत्य रेषवेत। इसका मतलब यह है ना कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स है वह पहले जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें शुद्ध पारद 4 तोला ले लिया है, शुद्ध गंधक है वह शुद्ध गंधक ऐसे नॉर्मल नहीं, शुद्ध क्या हुआ जो गंधक है वह 8 तोला ले लेना है। उसके बाद में ताम्र भस्म 2 2 तोला लेना है, लौह भस्म 2 तोला लेना है, शुद्ध टंकन जो है वह टंकन क्षार जो है वह 16 तोला लेना है, फिर विड़ नमक 8 तोला लेना है, फिर काली मिर्च 40 तोला। काली मिर्च इतना ज्यादा है 40 तोला की मात्रा में है। पहले गंधक की और पारा की कजली बनाना है, उसमें और उसके बाद में ताम्र भस्म डाल के खूब महीन पीसना है, ऐसे घोटते जाना है घोटते जाना है, मर्दन संस्कार करते जाना है। उसके बाद में फिर क्या करना है कि उसको ना जो कलछुल रहता है जो लोहे की शांसी रहती है उसमें डाल के और इसको कज्जली की तरह ऐसे मिक्स कर देना है, और उसको गला कर इसका परपटी बनाना है। और वो भी परपटी बनाने के लिए नॉर्मली हम केले के पत्ते का यूज करते हैं, यहाँ पर एरंड के पत्तों का पत्तों बड़े बड़े एरंड के पत्ते धो के और उस पर घी लगा के और उसमें ये जो परपटी की तरह रहेगा कज्जली को गर्म कर दिया गाय के घी में। और इसमें कज्जली में क्या क्या है, तो पारा है गंधक है, गंधक 6 8 तोला डबल है पारा से। और उसके बाद में उसमें ताम्र भस्म डाल दिया लौह भस्म डाल दिया, उसका कज्जली करके गर्म कर दिया और एरंड के पत्ते में उसको डाल दिया। उसको डालने के बाद फिर दूसरा एरंड का पत्ता डाला और उसको परपट्टी बना दिया पापड़ की तरह, उसको बेलन से ऐसे पीस के या फिर जो गोबर का उपला होता है उसको ऐसे प्रेस करके कॉम्प्रेस करके पतला लेयर का जो पापड़ की तरह बहुत ही फाइन ऐसा पाउडर जैसा बना दिया, पाउडर नहीं पापड़ की तरह बना दिया, तो उसको बोलते हैं परपटी। तो इस तरह से परपटी बना गया। उसके बाद में क्या करना है कि परपटी को ले लेना है, जब परपटी कल्पना बन जाता है फिर उसको खलबत्ता में डालना है, और खलबत्ता में डालने के बाद उसमें 4 शेर मतलब 1 शेर मतलब 24 लीटर तो 160 लीटर जंबिरी नींबू जो रहता है उसका स्वरस का भावना देना है। एक दिन में नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा, इसको घोटते जाना है घोटते जाना है घोटते जाना है। और उसके बाद में क्या करना है कि फिर उसको मंद मंद अग्नि में उसको फिर चलाते जाना है। जब ये भावना दे दिया फिर इसको और रस डालना है, और रस डाल के फिर इसको
कि पिपली पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रुति, ये जो पंचकोल है उसकी 50 भावना डालनी है। मतलब ये इसके बार बार काढ़ा बना के और 50 बार भावना डालना है और उसको घोटते जाना है, घोटते जाना है। जब वो 50 भावना हो जाए फिर अम्लवेतस नाम का जो वनस्पति है जो खट्टा रहता है उसकी भी भावना देनी है। उसके बाद में यह जब सूख जाए ऐसे भावना दे दे के, एक दिन में दवाई नहीं बनेगी, इसको बनाने में 2-3 महीना लगता है। जब ये बन जाए तब इसमें जो शुद्ध टंकन रहता है जिसको हम सुहागा बोलते हैं वह डाल देना है। विड़े नमक प्रक्षेप द्रव्य के रूप में विड़े नमक डालना है, काली मिर्च कूट के कपड़ छन कूट करके वह डाल देना है। और उसके बाद में जो चना होता है, चना को जो चना का पेड़ होता है उसको जला देना है, और उसका जो क्षार मिलेगा जो राख मिलेगी या फिर मतलब चना का जो क्षार का पानी रहेगा जो जला के जो पानी पानी में उसको निथार देना है। और उसके बाद में जो चणकामल का जो पानी मिलता है क्षार का पानी, उसी तरह से क्षार बनाया जाता है ना, तो क्षार का पानी डाल देना है और उसकी 7 भावना डालनी है उसमें। ऐसा करके फिर घुटते जाना है, घुटते जाना है। ऐसा मर्दन करने के बाद फिर यह दो दो रत्ती की गोलियां बना के फिर बन जाता है। मतलब इसको घुटते 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 इतने सारे द्रव्य जो है, मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। आजकल जो कंपनी मेड दवाइयां आती है उसमें इतना प्रोसेस नहीं किया जाता है उसमें, क्योंकि टाइम कम रहता है, प्रोडक्शन ज्यादा और पैसा ज्यादा, और इसलिए मेहनत नहीं किया जाता है। शॉर्टकट मनी आजकल सब लोग को चाहिए। लेकिन यह विधि ग्रंथों में बताई है, योग रत्नाकर में, कि पहले पारा और गंधक लेना है। गंधक जो है 8 तोला, पारा जो है वो 4 तोला, और उसके बाद में लौह भस्म ताम्र भस्म यह ले लेना है 2-2 तोला। और इसके बाद में इसको कज्जली की तरह बना के घुट के और फिर ना कलछुल में डाल देना है घी डाल के, और इसको पतला गर्म करना है और फिर एरंड के पत्ते में डाल के और इसका परपट्टी बना देना है। परपट्टी बनाने के बाद फिर इसको लेना है, फिर 40 सेर, 4 सेर, सॉरी 4 सेर मतलब 200 लीटर इतना जंबीरी रस का, जंबीरी नींबू का रस लेना है, मतलब 200 लीटर्स तक उसको ना डाल के पहले घोटना है। घोटने के बाद घोटने के बाद फिर एक स्टेनलेस स्टील का बड़ा सा वो ये लेना है, भगोना टाइप लेना है, और उसमें डाल के फिर इसको घोटते रहना है, घोटते रहना है, और घोटते घोटते वो हलवा टाइप बन जाएगा। फिर उसके बाद में पंचकोल डालना है, पंचकोल का क्वाथ का ऐसे 50 बार मतलब वो डाल के घुटते जाने, फिर वो सूख जाएगा सॉलिडिफाई। अम्लवेतस का काढ़ा बनाना है, अम्लवेतस खट्टा रहता है उसकी भी 50 भावना देने हैं, और उस पर घुटते जाना है, घुटते जाना है। और उसके बाद में शुद्ध टंकन डालना है, विड़े नमक और काली मिर्च का कपड़चन चून डाल देना है। और इसको बनाने के बाद फिर क्या करना है कि जो चना का पेड़ होता है चना का पेड़ को जला देना है, और उसको पानी में जो राख रहती है चने के पेड़ का उस राख रहती है और उसको ना उसका जो पानी रहता है वह डाल के 7 बार उसको घोटना है। ऐसे घोटते 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 बाद में वह एकदम सेमी सॉल्यूट हो जाएगा, फिर और घोटते जाना है, घोटते जाना है मंद अग्नि। ऐसे करते करते जब वह गोली बनाने लायक हो जाए तो गोली बना देना है, 2-2 रत्ती की गोली बनाना है, 250 mg की एक गोली बनाना है, 250 mg, 250 mg की, और इसको बना के सुरक्षित रख लेना है। तो इसका जो सेवन है इसका डोज है 2 से 4 मात्रा, सॉरी 2 से 4 गोली की मात्रा में लेना है, और इसका जो अनुपान है वो छाछ रहता है, लस्सी रहता है या तक्र रहता है उसके साथ देना है, या सादा पानी के साथ इसको खाने के बाद देना है, या नींबू का शरबत रहता है नींबू पानी के साथ भी दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अब इसका गुण उपयोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए। अब इतना पौष्टिक है और इतना दीपन पाचन इतना स्ट्रांग है, इसमें क्षार भी डाला हुआ है, टंकन क्षार भी डाला हुआ है, और ये भी डाला है मतलब पारा और गंधक लौह भस्म ताम्र भस्म भी डाला है, इतना स्ट्रांग दवाई है। और ऊपर से इसमें जंबीरे नींबू का स्वरस की इतना 200 लीटर का पूरा ऐसे भावना दिया है, और उसके बाद में ये डाला है पंचकोल के काढ़ा की भावना दिया है, उसके बाद में अम्लवेतस के 50 भावना दिया है, इतना खट्टा रहता है। तो इसको हमेशा पूज्यानि गुरु मासान्यश एकषा, मतलब जिसने बहुत ज्यादा गुरु पदार्थ का सेवन कर लिया है, मतलब जो जिसने बहुत हैवी खाना खा लिया है, जैसे कोई शादी ब्याह में गए और वहां पर इतना टेस्टी खाना मिल रहा है तो कंट्रोल नहीं हुआ और बहुत ज्यादा खा लिया, तो बहुत ज्यादा गुरु भोजन कर लिया, फिर मांस का सेवन बहुत ज्यादा कर लिया, अति मात्रा में मांस का सेवन कर लिया। भक्षेत कंठा पर्यंतम ततोदयो रसत्तमः, भक्षेत कंठा पर्यंतम कंठ तक फुल भर लिया, इतना इतना खाना, इतना
टूस टूस के भर लिया खाना। ततो रसो देव रसोत्तमः, यह रस में उत्तम है तब इसको देना चाहिए। चतुर्वल्लमतो देह तक्र स लवणैरपि, मतलब चतुर्वल्ल की मात्रा में इसको देना है, मतलब चार गोली के मात्रा में, चार माशा के या चार वल्ल के मात्रा में देना है। और तक्र स लवण ही, तक्र में लवण थोड़ा सा डाल दीजिए और तब देना है। भुक्तम जिरेति तत्क्षिप्रम जायते दीपनम परम, मतलब यह क्या करता है, भुक्तम जिरेति, इसका सेवन करते ही जिरेति खाना पचने लगता है। तत्क्षिप्रम जायते दीपनम न रहा, यह तुरंत ही अग्नि का दीपन करता है और अग्नि जैसे प्रज्वलित हो जाती है, तो जितना भी खाया पिया है ना सब पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। रसक्रव्या नामा एवं प्रोक्तो मंथान भैरवी, मतलब इसका नाम क्रव्याद रस है और इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में ऐसे बता रहे हैं कि मतलब कोई महाक्रव्याद रस बोलते हैं, कोई लघु क्रव्याद रस बोलते हैं। इसमें जो भावना द्रव्य दिया है कम ज्यादा मात्रा में, लघु क्रव्याद रस भी होता है, महाक्रव्याद रस भी होता है, क्रव्याद रस भी रहता है। फिर इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि सिंह सिंह लक्षोणी पालय भूरी मांस भुजे तथा, मतलब इसका सेवन करने से अगर किसी ने ना किसी सिंह का ताकत कितना बढ़ जाता है, उतना ताकत आ जाता है, क्योंकि मांस को भी पचा लेता है। कोई शेर होता है, सिंह जो होता है वह क्या करता है कि कोई भी मांस को पचा लेता है, हिरण का मांस भी, जिराफ का भी, हाथी का मांस भी पचा लेता है, तो शेर में इतनी ताकत होती है। इसी तरह से यह ना हर तरह के मांस को पचाने, और कच्चा मांस खा लिया उसमें भी पचाने के लिए बहुत काम आता है। कुरिया दीपतम मुद्दतम पवनज देहे परम शोषणम, यह तुरंत ही दीपन कार्य करता है, समान वायु को प्रज्वलित कर लेता और पाचक को प्रज्वलित करता है, समान वायु का कार्य को बहुत अच्छा करता है। समान वायु का कार्य आपको पता है, अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचेति मुंचति, तो अन्न का ग्रहण करना, पचन करना, विवेचन करना, सर्किट विभाजन करना, और मुंचति चा जो जो चीज चाहिए वो बॉडी को अब्जॉर्ब करना, ये सारा कार्य जो है यह क्रव्याद रस करवा देता है, इसलिए इसका नाम क्रव्याद रस है। इसके बाद में कुछ पाठ भेद है, मतलब कुछ कुछ डिफरेंट भी बता रहे हैं। पचनम दुष्ट मांस शोषणम तुंदत शौल्य निर्वहणो गर्हरो दुष्ट व्रणाति प्रणोत, मतलब इसका मतलब यह है कि अगर क्रव्याद रस का सेवन मोटे लोगों को कराया जाए तो यह अग्नि को इतना प्रज्वलित कर देता है कि जठराग्नि भी प्रदीप्त हो जाएगी, रस की अग्नि भी हो जाएगी, रक्त की अग्नि भी हो जाएगी, मांस की अग्नि भी हो जाएगी, मेद की अग्नि तो है ही उसमें प्रज्वलित। फिर मेद के बाद के तीन धातु कौन से हैं, तो अस्थि मज्जा शुक्र, इनकी अग्नि भी प्रज्वलित हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, सारे अग्नि अगर प्रज्वलित हो गए तो मेद जो विकृत जमा है उसको भी जला देगी, उसको पचा देगी। तो ये स्थूल व्यक्ति को नॉर्मल कर देती है, मोटापा से नॉर्मल कर देती है, इसलिए इसका महत्व है। उसके बाद में कुछ और बताते हैं, मूलार्ति शूलाप अहम, मतलब शूल को भी दूर कर देती है, अगर आम संजीति है और वहां पे वायु रुका हुआ है। का पचन करके वायु का निलोमन कर देता है। उसी तरह से ऐसा बता रहे हैं, काश श्वासा विनाशो, कास और श्वास में वायु की गति विकृत रहती है, पाचक अग्नि विकृत रहती है, तो ये अग्नि को अच्छा कर देता है। और इसमें पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक शुंठी, इतने अच्छे पंचकोल के क्वाथ की भावना है, तो इतना गर्म दवाई है और काली मिर्च का भी है, तो यह सब और शार भी है, तो इसकी वजह से खांसी का जो ये संप्राप्ति हुई है उसको ये भंग कर देती है, श्वास नलिकाओं को खोल देती है, वायु को प्रतिलोमित कर देती है, अनुलोमित कर देती है, प्रतिलोमित नहीं अनुलोमित कर देती है। और जो श्वास व्याधि है वो भी क्लेदक कफ अपना स्थान छोड़ के कहाँ गया है, लंग्स में चला जाता है, क्यों, क्योंकि पित्त स्थान समुद्भव ऐसे बताते हैं, और वहां पे उदान वायु प्राण वायु का गति जो रहता है वो गड़बड़ हो जाता है और श्वास नलिकाएं संकुचित हो जाती हैं वायु की वजह से, वायु के रुक्ष गुण की वजह से, और कफ स्त्यान कफ लीन कफ जाके लंग्स में जमा होता है और श्वासावरोध करने लगता है। तो वहां पर कफ को पिघलाना भी है, अग्नि को प्रदीप्त करना है, वायु की गति को प्राकृत करना है, यह सब कार्य जो रहता है वो क्रव्याद रस करता है, अग्नि को बढ़ा के, या साक्षात अग्नि के तरह रहता है कि अग्नि को बढ़ा देता है। काश्वास विनाशनो ग्रहणिका विध्वंसन स्त्रंसनो, मतलब ग्रहणी रोग को भी ठीक कर देता है और स्त्रंसन कार्य करता है, मतलब पेट में से जितना भी मल है उसको निकाल देता है। और ऐसा बताते हैं कि गुल्म गृह विनाशना,
गुल्म रोग को भी ठीक करता है, प्लीहा रोग को भी दूर कर देता है जिसको स्प्लिनोमेगैली हो गया है। रक्तवाह स्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है। अगर प्लीहा में कोई भी पैथोलॉजी हुई है, ऐसी संप्राप्ति हुई है कि प्लीहा वृद्धि हो गई है, जैसे कि टाइफॉइड फीवर होता है, एंटरिक फीवर होता है, लिम्फेडेनोपैथी, अगर लिम्फेटिक सिस्टम में कुछ ना कुछ अटैक होता है वायरल अटैक की वजह से, या फिर बड़े बड़े बीमारी होते हैं, थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया माइनर या थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, जो रक्तवाह स्रोतस की व्याधि है, और या फिर प्लीहोदर होता है या उदर रोग में, बहुत सारे ऐसे व्याधियाँ होते हैं जिसमें प्लीहा वृद्धि होती है, तो वह सारे व्याधियों में यह द्रव्याद रस देते हैं। तो अग्नि का यह बढ़ा देता है, अग्नि को अच्छा करता है, जठराग्नि को अच्छा करता है, धात्वाग्नि को अच्छा करता है, भूताग्नि को अच्छा करता है, हर स्थूल अग्नि से सूक्ष्म अग्नि तक इसका कार्य रहता है। आम का पचन करता है, आम का पचन होगा तो स्रोतस जो अवरुद्ध हैं वो सारे खुल जाते हैं, तो उसकी वजह से रस व स्रोतस में जो जलोदर, जलोदर अगर पेट में पानी हो गया, अति मल संचयात अग्निमंदत, ऐसे प्रत्यात्म लक्षण है कि अग्निमंद हो जाता है और मल की संचिति बहुत ज्यादा होती है उदर रोग में, और इतना मल संचित होता है और अग्नि भी विकृत हो जाती है, धात्वाग्नि भी विकृत हो जाती है कि पेरिटोनियम और स्किन के बीच में पानी जमा होने लगता है, और उसमें भी जातोदकावस्था अजातोदकावस्था, ऐसा आप लोग को पता है तो वह, और फिर उसमें आमावस्था, पच्यमानावस्था, पक्वावस्था, ऐसी अवस्थाएं भी आती हैं उदर रोग में। तो यह क्या करता है कि इतना अग्नि को प्रदीप्त कर देता है कि पूरा जो पानी 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 जमा है धात्वाग्नि, धात्वाग्नि के वीक होने की वजह से धात्वाग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाती है, पानी को पूरी तरह से वह सार किट विभाजन होने लगता है, और सारा किट है मल मूत्र के रूप में, मल के रूप में बाहर निकलने लगता है, और पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है, और जो पेट में पानी जमा है वो पूरी तरह से सूख जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि अच्छी हो जाती है। अगर जैसे कहीं पर भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा पानी ले लिया और मटके में डाल के अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और मटके को गर्म किया तो पूरा पानी को उड़ा देता है, उसी तरह से पेट में अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है, वह क्या करती है, पानी को पूरी तरह से निकालने लगती है, और अम्बुव स्त्रोतस और स्वेदवा स्त्रोतस ये खुल जाते हैं, इतना अग्नि प्रदीप्त हो जाता है, और फिर ना अपने आप संप्राप्ति भंग हो जाती है, मल भी प्रवृत्ति होने लगती है, और उसके बाद में अग्निमंदता भी ठीक होती है, वहां यकृत का कार्य भी अच्छा होता है, प्लीहा का भी कार्य अच्छा होता है, धात्वाग्नि का भी होता है, भूताग्नि का भी होता है, जठराग्नि भी होता है, सबका अच्छा कार्य होने लगता है, तो उदर रोग रह ही नहीं पाता, पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि गुल्म प्लीहो जलोदर शमनः क्रव्याद नामा रसः। एक और ग्रंथ में ऐसा बता रहे हैं कि वात ग्रंथि महोदरा पर हरणः, हर तरह की ग्रंथि में इसका बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। हमारे आदरणीय गुरु जी वैद्य समीर जमद अग्नि सर बताते हैं कि कोई भी सिस्ट होता है, जैसे किडनी में सिस्ट हो गया, लीवर में सिस्ट हो गया, या फिर फाइब्रॉइड हो गया, फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन हो गई, वहां पर ग्रंथि जो बन गई है वह कैसे हो रही है, क्योंकि अग्नि जो है वह विकृत हो गई है, धात्वाग्नि विकृत हो गई है, और वहां पर ग्रंथि हो रहा है या सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर अगर अग्नि अच्छा कर दिया जाए, अग्नि धात्वाग्नि अच्छा कर दिया जाए तो क्या करेगा, सिस्ट को पूरी तरह से गला देगी, और जो फाइब्रॉइड जैसे फाइब्रोसिस है, जो लंप है, एडिनोमायोमा या जो भी है, या फिर लाइपोमा भी रहता है, वह सभी मेदोज ग्रंथि भी हो सकता है, मांसज ग्रंथि भी हो सकता है, रक्तज ग्रंथि भी हो सकता है, रसज ग्रंथि भी हो सकता है, मज्जागत ग्रंथि भी हो सकता है, किसी ना किसी या अस्थि वाला ग्रंथि हो सकता है, जो भी है वह सारे ग्रंथियों को यह पचा देता है। इसलिए फाइब्रॉइड में, सिस्ट में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यह ग्रंथ उसी तरह से विश्व हिंग विड़ही सारदम क्रव्यादो भक्षदो रसा, कुछ लोग विश्वा डालते हैं, मतलब इसमें खाते हैं, जो आदिवासी और शिकारी लोग थे वो खाते थे, तो क्रव्याद रस साथ में लेके जाते थे और वो लोग खाते थे तो उनका अग्नि अच्छा रहता था। गुल्म शेषन प्लीहान अपि विद्रदी नपि नाशयेत, मतलब विद्रदी जो रहता है, एब्सेस रहता है, कोई भी बॉडी में कहीं भी एब्सेस हुआ है वह सबको भी ठीक करता है। विद्रदी जो रहता है वो स्तन विद्रदी भी हो सकता है, या कहीं ना कहीं भी विद्रदी हुआ रहेगा, कोई ना कोई एब्सेस रहेगा, वह पूरी तरह से ठीक कर देता है। गुल्म रोग को भी ठीक कर देता है, प्लीहा रोग को भी ठीक करता है, और यकृत रोग को भी ठीक कर देता है। अब इसका क्रव्याद रस के बारे में पहले देखते हैं कि इसका क्लिनिकल उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो क्रव्याद रस का अगर हम लोग देखेंगे ग्रंथों में, तो कोई कोई महाक्रव्याद रस
कोई क्रव्याद रस, कोई लघु क्रव्याद रस, इस तरह से तीन तरह का फॉर्मूला मिलता है सभी ग्रंथों में, खासकर योग रत्नाकर में। और उसमें ऐसा बता रहे हैं कि महाक्रव्याद को ही क्रव्याद रस बोलने की परंपरा आई है, और उसके अनुरोध से ही क्रव्याद रस यह फेमस है। कुछ कुछ कंपनियां बनाती हैं क्रव्याद रस करके दवाइयां बनाती हैं, और उनका आप लोग रिजल्ट देखिए कि कितना रिजल्ट आ रहा है कितना नहीं। सबसे अच्छा रहेगा कि आप लोग खुद ही यह क्रव्याद रस खुद ही बना ले, तो वो ज्यादा गुणकारी भी रहेगा और रिजल्ट भी आएगा। यह क्या करता है कि दीपन कार्य करता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें पंचकोल है और नींबू के जंबीरी रस के, नींबू की भावना का रस है, तो उससे क्या होता है कि भावना दिया है ना इतना जंबीरी रस का, तो इसकी वजह से दीपन, उत्कृष्ट दीपन कार्य करता है। जिस तरह से आग रहता है, हवन का अग्नि रहता है, वो प्रज्वलित हो जाता है। थोड़ा सा भी कुछ ऐसा चीज डाल दिया, जैसे आग जल रहा है और हमने पेपर है, पेपर पेपर डाल दिया, तो वो कैसे प्रज्वलित हो जाता है, पेपर हल्का रहता है। तो उसी तरह से यह क्रव्याद रस का जब हम लोग डालते हैं, तो अग्नि इतना ज्यादा इसमें, मतलब ऐसे मेडिसिन डाले हैं जो तेज महाभूत प्रधान है, वह जब डालते हैं तो अग्नि को प्रज्वलित कर देते। सलाइवरी ग्लैंड रहेगा, फिर वहां पे जो इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड रहेंगे, आमाशय में जो ग्लैंड रहेंगे, डियोडिनम में जो ग्लैंड रहेंगे, वह भी जागृत हो जाते हैं, वहां से एंजाइम सीक्रेट होने लगते हैं, जिसको हम पाचक पित्त बोलते हैं। पाचक पित्त का कार्य अच्छा होने लगता है। मुंह में जो बोधक कफ है, उसके साथ में भी अग्नि रहता है, क्योंकि वहां पर भी हम लोग को टेस्ट आता है। तो जब क्रव्याद रस का सेवन करते हैं, तो जिसको अरोचक है या अग्निमान्दे है या अनन्नाभिलाषा है, खाना खाने का अन्न की अनाभिलाषा, खाना खाने की इच्छा नहीं है, अश्रद्धा है, खाना खाने की श्रद्धा ही नहीं है, तो आज से वैसे से मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, अरोचक है, रुचि ही नहीं मिल रहा, कोई भी चीज खा रहे हैं तो कड़वा ही लगता है या मीठा ही लगता है, उसमें टेस्ट नहीं आ रहा, लॉस ऑफ टेस्ट बोलते हैं ना जिसको, वह सारे कंडीशन में अगर क्रव्याद रस का सेवन करा दिया जाए, तो ये सारा पचा देगा। और कुछ लोग क्या रहते हैं कि उनको अज्ञानवश बहुत ज्यादा खा लिया जाता है, पार्टीज में जाते हैं, इतना ज्यादा खा लेते हैं और लोग खिलाते जाते हैं खिलाते जाते हैं, या किसी के घर में गए तो वो लोग मेहमान नवाजी में बहुत ज्यादा नॉनवेज खिला देते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी अलसक, मतलब आलसी की तरह आम वहां पे रहेगा, और अलसक व्याधि हो सकता है, या विलंबिका व्याधि, मतलब वो धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा या नहीं होगा, वहां रुका रहेगा, तो अलसक में तो पूरा आलसी की तरह बैठा रहता है, विलंबिका में देर देर से वो आगे जाता है, और विसूचिका मतलब जिसमें सूचीवत वेदना होती है, सूच बोने की तरह वेदना होती है, और अतिसार जैसा होने लगता है, जिसको हम कॉलरा बोलते हैं, यह सब अग्नि मंदता की वजह से हो रही है। और अति सेवन खाना, अति अध्यसन बहुत ज्यादा करना, अध्यसन मतलब बिना पहले वाला खाना पचे हुए फिर से खा लेना, अध्यसन किया जाता है, और अति मात्रा में जो खाना किया जाता है उसका सेवन करना, यह सबसे पित्तजन्य विदग्धा जीर्ण हो जाता है, मतलब खट्टा खट्टा जो पहला क्या है आमाजीर्ण, आमाशय में पहला मधुर अवस्था पर विकृत हो गया तो आमाजीर्ण होता है, दूसरा वाला अगर अम्ल अवस्था पर विकृत हो गया तो विदग्धा जीर्ण होता है, तृतीय अवस्था में अगर विकृति आ गई तो विष्टब्धा जीर्ण होता है, जो कटु अवस्था पर अगर विकृत हो गया तो ये तीनों अजीर्ण जो रहते हैं, आमाजीर्ण, विदग्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण, तीनों अवस्था पाकों को ये बैलेंस कर देता है, बहुत अच्छा जागृत कर देता है, बहुत अच्छा पचने लगता है, तो ये अजीर्ण होगा ही नहीं, मधुर अवस्था पाक एकदम व्यवस्थित होगा, जैसे कफ दोष अच्छे से बनेगा, पित्त दोष अच्छे से बनेगा, अगर अम्ल अवस्था पाक को अच्छा कर दिया, कटु अवस्था पाक को अगर अच्छा कर दिया तो वायु दोष अच्छा बनेगा, तो उसके वजह से क्या होगा कि पेशेंट का हेल्थ अच्छा रहेगा, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्तित्य विधीयते। जब अग्नि अच्छा रहता है तो मन प्रसन्न रहता है, फिर नींद अच्छी आती है, अगर मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो खाना पचेगा नहीं, या पित्त धरा कला सा मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला ही मज्जा धरा कला है, अगर खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो स्ट्रेस आएगा बहुत ज्यादा, और दूषित जो आहार रस बनेगा, आम युक्त आहार रस बनेगा, वह सब जाके ब्रेन में बैठ जाता है, और उसकी वजह से निगेटिव निगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से कैटाकोलामाइंस और बहुत सारे निगेटिव निगेटिव हॉर्मोन्स, निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। और अगर हमने अग्नि अच्छा कर दिया,
अग्नि की चिकित्सा कर दी तो अपने आप अच्छा रस धातु बनेगा, अच्छा रक्त धातु बनेगा, अच्छा मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब अच्छा बनेगा। इसका यह होगा फायदा कि ब्रेन को भी अच्छा नरिशमेंट मिलेगा, तो ब्रेन अच्छा सोचेगा, अच्छा सोचेगा तो वह स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, प्रसन्न रहेगा वो इंसान, आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, इंद्रिय और मन भी प्रसन्न रहेगा। तो इसलिए खाने का और अग्नि का इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। तो इसीलिए ना इसका सेवन जब करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा ये बता रहे हैं कि अगर विदग्धा जीर्ण हुआ है और उसकी वजह से अतिसार हो रहा है, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है और पित्तज अतिसार है, तब इसका सेवन ना करें। अगर इसका सेवन करेंगे तो पित्त और प्रकोपित हो जाएगा, तब इसका प्रयोग ना करें। दूसरा ऐसा बताया गया है कि पित्त प्रकृति वालों को और जिनको बहुत ज्यादा अम्ल पित्त है, हाइपर एसिडिटी है और बहुत ज्यादा अम्लिक मतलब एसिड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनको अगर कृव्याद रस देंगे तो उनको और एसिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें पंचकोल डाला हुआ है। तो पित्त प्रकृति वाले और अम्ल पित्त के पेशेंट और जिनका पित्त अम्ल गुण से बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा खट्टापन आ गया, उनको इसका सेवन नहीं कराना है, ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्योंकि क्षार भी डाला हुआ है उसमें, पंचकोल भी डाला हुआ है, काली मिर्च भी डाला हुआ है, यह और पित्त को और प्रकोपित कर सकता है, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उसी तरह से अगर खाना पचता नहीं है, नॉर्मल अवस्थाओं में देखते हैं खाना पचता नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आम की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है। अब ये आम जो है जठराग्नि मंद की वजह से स्थूल आम की भी होती है, धात्वग्नि मंद की वजह से सूक्ष्म आम की भी निर्मित होती है, एक एक सेल तक आम की उत्पत्ति होती है, तो उसकी वजह से आम दुष्ट हो जाता है। आम दुष्ट हो गया तो आम के जितने भी विकार हैं, जैसे आमाजीर्ण हो गया, फिर उसके बाद में आमवत हो गया, फिर हर तरह की बीमारी होती है। रक्त पित्त में भी बताया है कि रक्त पित्त में भी आम की संचिति होती है, फिर विद्रधि में भी होती है, वात व्याधियों में भी, उपस्तंभित वात व्याधि, निरुपस्तंभित, उपस्तंभित मतलब वहां पे मार्गावरोध जन्य वात व्याधि होती है, उसमें भी आम की संचिति रहती है। आमाजीर्ण अगर देखें तो स्टार्ट में रस शेषाजीर्ण रहता है, आहार रस पचता नहीं है और वो रस शेषाजीर्ण रस जो है वो वैसे का वैसे ही रहता है, अजीर्ण रहता है और बहुत सारा व्याधि होता है, और उसकी वजह से शूल होगा, अतिसार होगा, ग्रहणी रोग होगा, बद्ध कोष्ठता होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट साफ नहीं होगा, हर तरह की बीमारी रहती है। तो यह क्या करता है, कृव्याद रस का जब सेवन तक्र के साथ या नींबू के पानी के साथ या गर्म पानी के साथ करते हैं तो यह आम का पचन करने लगता है। आम का पचन अच्छा होगा तो फिर क्या होगा कि सार्किट विभाजन अच्छा होगा, सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देता है, तो खाना अच्छे से पचने लगता है। खाना अच्छे से पचने लगेगा तो और व्याधियां जो है एसोसिएटेड जो इसके वजह से हुई है, आम की वजह से, सब ठीक हो जाती है, पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवरी करने लगता है। उसी तरह से धातु परिपोषण क्रम है, जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनना, ये धातु परिपोषण क्रम होता है। तो इसके तीन न्याय से पोषण होता है, ऐसा ग्रंथकार बताते हैं। चरक संहिता में इसका विस्तार से को हम लोग पाटते हैं, मतलब एक क्यारी जो रहती है खेत में, तो जो ये जो रेहट का जो रहता है ना पानी जो आता है कुएं से, तो एक एक पानी वो डालेगा और एक क्यारी को पहले भरेगा, नरिशमेंट मिलेगा, उसके बाद दूसरी क्यारी, फिर तीसरी क्यारी, ऐसे क्रम क्रम से पहले रस धातु का पोषण होगा, फिर रस के बाद रक्त का होगा, फिर मांस का होगा, मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये होता है केदार कुल्याण है, केदार मतलब के पानी, जिस तरह से हम लोग वो ये लगाते हैं मतलब मोटर लगा के और फिर जो पानी भरते हैं, तो केदार कुल्या मतलब नाली, नाली से जैसे पानी को हम लोग पाटते हैं, खेतों खेतों के तो में पानी पहुंचाया जाता है, फसलों को पानी पहुंचाया जाता है, उस तरह से यहाँ पर ये धातु परिपोषण क्रम होता है, ये केदार कुल्याण है। दूसरा होता है कि क्षीर तदीन है, दही से, दूध से दही बनता है, दही से आगे जाके तक्र बनता है। तो ये जो धातु परिपोषण क्रम है उसमें एक न्याय ऐसा बताता है, एक ऐसा लॉजिक है कि रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेगा, मांस से, और उसमें अग्नि की क्रिया होती है, रस पे और अग्नि की क्रिया होती है तो रक्त धातु बनता है, रक्त धातु पे पार्थिव अग्नि की कार्य होता है तो मांस बनता है, फिर उसके बाद में मेद बनता है, फिर मेद पे और रस रक्त मांस मेद, फिर मेद पे और पार्थिव ता क्या कार्य होता है तो वो अस्थि बन जाता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, यह क्रम है। तो यह किससे बनता है, तो शीर दधि न्याय से बनता है, दूध से दही बनना, दही से तक्र बनना, तक्र को मतने के बाद फिर मक्खन बनना, फिर मक्खन को और मत के और बनाया, उसको गर्म किया तो घी बनना, यह जो प्रक्रिया है सारा, तो यह सारा शीर दधि न्याय होता है, इससे भी धातुओं का परिपोषण होता है, यह भी एक साइंस है और इसमें लॉजिक है और इससे भी कार्य होता है। तीसरा है कि खले कपोत न्याय,
जैसे अगर किसी धातु का क्षय हुआ है, अगर जैसे रस धातु का क्षय हुआ है, तो हम लोगों ने जो भी खाया तो उसमें रस धातु के जितने भी पोषकांश है उससे पहले रस धातु बनेगा। अगर किसी का शुक्र क्षय हुआ है और हमने जैसे दूध वगैरह पिया खाने में, तो सद्य शुक्र अगर हम पया, तुरंत ही दूध पीने से तुरंत ही शुक्र बनेगा। वह यह टाइम नहीं लगा कि पहले रस से रक्त बने, मांस से मेद अस्थि मज्जा शुक्र बने, ऐसा नहीं है। जो पुष्कांश हम लोग खाते हैं उसका उससे उस धातु को बनने को खले कपोत न्याय बोलते हैं। खले कपोत न्याय में एक उदाहरण, डेफिशिएंसी है, वह आहार रस से वो चीज को ले लेगा और अपनी कमी को पूरा कर देगा, और ये ऑटोमेटिकली होते रहता है। तो ये होता है खले कपोत न्याय। अब ये तीनों जो न्याय है उसको बहुत एगहांस करना, यह कार्य कौन करता है? तो अग्नि को कर। अग्नि अगर अच्छा रहेगा तो वह अच्छा रस धातु बनेगा, अच्छा रक्त बनेगा, क्योंकि हमें ना प्रसाद भाग चाहिए। हमें अन्न को हम लोग जो पार्थिव रूप में खाते हैं, बायोलॉजिकल फॉर्म में, वह उसी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है, वह स्थूल रूप में रहता है। वहां पे उसको पतला करके और ग्राइंडिंग वगैरह करके, अपने जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसको करके, मतलब आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे कि पहला अग्नि की क्रिया होने के बाद आहार रस बनता है, चाइम बनता है और आहार रस उसको बोलते हैं। वह बनने के बाद जो जो पुष्कांश है वहां पे अग्नि अगर अच्छा रहा तभी वह पुष्कांश मिल पाएगा। अगर आम की निर्मित होगी तो अच्छा रक्त धातु नहीं मिलेगा, अच्छा मेद नहीं मिलेगा, अच्छा सब विकृत। दार कुल्याण है, खले कपोत न्याय, शीर्ष दधि न्याय से यह क्रव्याद रस करता है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। नहीं तो अगर पचन नहीं होगा तो मेद धातु की विकृति हो जाएगी, मांस धातु की हो जाएगी, अस्थि धातु की विकृति हो जाएगी, मज्जा धातु की विकृति हो जाएगी। आप लोगों ने क्षय वृद्धि के सारे लक्षण पढ़े हैं, वह सारा हो जाएगा। एक धातु का क्षय होगा, एक का वृद्धि हो जाएगा, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से अगर मध्यम कोष्ठ में, अगर पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मल बहुत दिन तक वहाँ अपच की वजह से वहां पे जमा रहा, तो वहां पे एक सेंद्रीय विष तैयार हो जाता है जिसको हम गर्भ विष बोलते हैं, और वह शरीर को दूषित करता है। अगर मल भी साफ नहीं हो रहा है, वह मल ही एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड में मिलेगा और ब्लड में वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, उसके वजह से कुष्ठ रोग हो जाता है, त्वचा की बीमारियां होती है, विसर्प रोग होता है, क्योंकि मल अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। वहां पे धात्वग्नि मंद है, और हम लोग ये पढ़ते हैं दूष्य है त्वचा रक्त मांसपेशी का, ठीक है, तो उसमें लेकिन धात्वग्नि मंद है और मल अच्छे से नहीं बन रहा, और सार किट विभाजन अच्छे से नहीं हो रहा, इसके वजह से जो ये सार किट विभाजन हो, मल प्रवृत्ति अच्छे से होना चाहिए। सम दोषा समाग्निशा सम धातु, सारे धातु सम अवस्था में रहने चाहिए। मल क्रिया, मल भी निकलना चाहिए, हमें पसीना भी आना चाहिए, मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छे से होनी चाहिए, मल प्रवृत्ति भी अच्छे से होनी चाहिए। अगर यह नहीं होगा तो व्याधि हो जाता है। तो यह सारा काम जो है वह क्रव्याध रस ऐसा करता है कि कोई भी तरह का खाना खाइए उसको पूरी तरह से पचा देगा। इसी तरह से लोग क्या करते हैं कि विरुद्ध अन्न का सेवन करते हैं, दूध और मछली, दूध और अल्कोहल, दूध और नमक, दूध और दूध भात मीट, दूध चावल और नमक, दूध दही चावल, चाय के पहले पानी, चाय के बाद पानी, ऐसा मिक्स फ्रूट सैलेड, ऐसे बहुत सारे विरुद्ध चीज खाते हैं। मेंटोस की गोली खाएंगे और कोका कोला पियेंगे, और या फिर कोका कोला पियेंगे और उसके बाद में कॉफी पी लेंगे, फिर कॉफी पी लेंगे तो व्याधि हो जाता है, आहार रस जो रहता है वो खराब तैयार होता है। उसी तरह से जो सड़ा हुआ मांस का सेवन करते हैं, गला हुआ मांस का सेवन करते हैं, सड़ा हुआ ऐसा खाना खाया जाता है, फ्रिज में रखा हुआ सड़ा हुआ खाना खाया जाता है, फ्रिज में रखा हुआ बहुत पुराना खाना, 10 10 दिन पुराना लोग निकालते हैं फ्रिज से, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और ओवन में गर्म करके और फिर खा लेते हैं, वो सड़ा हुआ खाना है, वो विकृत है। आचार्य लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं, वह उसमें आलस भी होता है कि हमें रोज खाना नहीं बनाना, या फिर कुछ मजबूरी होती है जिसकी वजह से रोज खाना नहीं बनता है। तो यह सारा चीज है ना, इसके वजह से व्याधि होती है, इनफर्टिलिटी के कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और विरुद्ध अन्न का बताया है चरक संहिता में कि शांड्य मतलब इनफर्टिलिटी होती है पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी, विरुद्ध अन्न और बासी खाना खाना,
इसलिए कभी भी कोशिश करिए कि ताजा ताजा ही खाना खाए। तो इसके वजह से विष बहुत ज्यादा बन जाता है। अब हमने हमें कुछ तो ऐसा मेडिसिन चाहिए, हर व्यक्ति तो शोधन करेगा नहीं, तो क्यों ना उस विष को पचा के सारकट विभाजन अच्छा से करके सार भाग को ले लिया जाए और किट भाग को निकाल दिया जाए। इसके लिए क्रव्याद रस का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो यह बहुत अच्छे से सारा अपच और आम विष इन सबको पचा देता है, विष को पूरी तरह से निकाल देता है, एक्सपेल कर देता है। मल प्रवृत्ति अच्छे से होती है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होती है, स्वेद प्रवृत्ति अच्छे से होती है। इस तरह से शरीर को ये शुद्ध करता है और वो भी शमन चिकित्सा के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से अगर पाइल्स की तकलीफ रहे, बवासीर रहे, तो बवासीर का कारण क्या है, तो अति मल संचयात अग्निमंदत, अग्निमंद हो रहता है और मल की संचिति बहुत रहती है और वेगों का धारण भी रहना और भी बहुत। बाहरी अर्घ का सेवन किया जाए तो स्त्रावी अर्श हो जाएगा, रक्त रक्तज अर्श हो जाएगा, और नहीं तो अगर ड्राई वाला रहेगा तो शुष्क अर्श हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जब अर्श व्याधि होती है तो जो शौच होता है मल प्रवृत्ति, वो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेटेड ऐसा होता है मल प्रवृत्ति, तो बहुत ज्यादा पत्थर की तरह गांठे गांठे निकलने लगती है, काला काला निकलने लगता है, बहुत ज्यादा बदबूदार रहता है, ऐसा मल प्रवृत्ति होती है और बार बार शौच जाने की इच्छा होती है, लेकिन मल प्रवृत्ति अच्छे से नहीं होती क्योंकि मल जो है उसका पाचन नहीं होता है। और मल जो अगर वहां ज्यादा देर तक सिग्मॉइड कोलन में जमा रहेगा तो क्या करेगा, स्नेहांश खींच लिया जाता है, स्नेहांश खींचने की वजह से वो रुक्षता आ जाती है मल में, और कोलोन का कार्य क्या है कि सारा पोषकांश को खींच लेता है। अब यहाँ मल संचिति ज्यादा है, स्नेहांश को खींच लिया तो मल जो है वो सूख गया तो वहां अटक गया, अटक गया तो अब इसमें क्या करें, तो इसीलिए क्या है कि क्रव्याद रस को तक्र के साथ सेवन कराते हैं। यह क्या करता है, मल का पाचन करता है और वो मल प्रवृत्ति इतना जोर से करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इतना बढ़ जाता है इंटेस्टाइन का, मल को वो रहने ही नहीं देगा, वो पूरी तरह से क्लीन कर देता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि पेट भी साफ होने लगता है, भूख भी लगने लगती है और पेट साफ होने लगता है, तो फिर धातु परिपोषण क्रम अच्छा हो जाता है। तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से बहुत दिनों का जो अपचन है, बहुत दिन से क्रॉनिक जो अग्नि मान देता है, खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन की तकलीफ है, तो उसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं, गुरु पदार्थ का सेवन ज्यादा करते हैं। आजकल ना एक फैशन हो गया है कि अभी ना क्या करना है कि पिज्जा मंगाना है और बाहर की चीजें जो हैं, डोमिनो से ये चीज मंगाओ, वो चीज मंगाओ, बर्गर मंगाओ, पिज्जा मंगाओ, बहुत हैवी चीज, और जो मैदा से बना हुआ, और पिज्जा क्या है, सड़ा हुआ मैदा तो ही है, उसमें बहुत सारे चीज डाल देते हैं, सब्जियां काट के और फिर उसको बेक कर देते हैं, ये सड़ा हुआ चीज है, ये नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद इसको मना करता है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ज्यादा खाएंगे मोटापा बढ़ता है। तो ये गुरु आहार है, इसका सेवन एक बार तो कर लिया, साल में एक बार दो बार कर लिया ठीक है, टेस्ट बदलने के लिए किया तो ठीक है। जो लोग बार बार करते हैं, अग्नि को नहीं देखते हैं, उनको व्याधि हो जाता है, तो उसकी वजह से खाया पिया अन्न पचता नहीं है। और वाग्भट में ऐसा बताया है कि जो तरुण लोग हैं, जो व्यायाम करते हैं और मतलब मेहनती लोग हैं, उनको अग्नि का कुछ नहीं रहता, उनको मतलब आम विष तैयार नहीं होता, लेकिन जो लोग नहीं व्यायाम कर रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, अभी खासकर तो लॉकडाउन के पीरियड में तो लोग बैठे हुए ही हैं, बच्चे बच्चों को खेलने को नहीं मिल, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनको भी बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा, वो लोग भी मोटे मोटे हो रहे हैं और उसकी वजह से ये व्याधियां हो रही हैं, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है, फिर ज्वाइंट पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज हो रहा है, बीपी हो रहा है, खाने पीने का टाइम ठीक नहीं है, ये सब जो हो रहा है। और लोगों के पास पैसा भी नहीं है, जो लोगों के पास पैसा है वो लोग कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं, जो लोगों के पास पैसा नहीं है वो भी अग्नि मान्यता को ध्यान में नहीं देखते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। अमीर अमीर तो अमीर लोगों की बीमारी अलग है, गरीब लोगों की बीमारी अलग है, लेकिन है सबका आम विष तैयार हो रहा है, जिस तरह का आहार कहेंगे उस तरह से आम विष ही तैयार हो रहा है। तो इसके वजह से आम संचय होने की वजह से बार बार पेट में दर्द होने लगता है, पेट फूल जाता है, पेट बहुत टाइट जाता है और बार बार ना ऐसे ढकार आने लगती है और कुछ ना कुछ तो निकलने जैसा होता है, खट्टा ढकार आता है और इतना मन खराब हो जाता है,
तब ऐसे कंडीशन में आमजन्य कंडीशन रहती है, तब अगर हमने क्रव्याद रस की योजना कर दी तक्र के साथ या गर्म पानी के साथ या फिर नींबू के शरबत के साथ अगर इसका सेवन करा दिया, और लंघन कराना है अगर लोग लंघन नहीं करना चाहते हैं तो यह शमन द्रव्य है, इसका सेवन करा दिया तो इसमें ताम्र भस्म है और लौह भस्म है। ताम्र भस्म और लौह भस्म क्या करेगा, यकृत को स्टिमुलेट करता है, यकृत को स्टिमुलेट किया तो पाचक पित्त का स्त्राव अच्छे से होगा। फिर इसके बाद में पंचकोल डाला हुए पिपली पिपली मूल चवे चित्रक्षुम थी, वह आम का पचन कर दिया, टंकन क्षार है, फिर उसको पचा देगा और फिर सार के विभाजन करके कचरा को निकाल देगा, इसलिए टंकन क्षार का प्रयोग कर दिया है। अंदर ना एक हवा घूमती रहती है वायु की वजह से, या कफ दोष बढ़े तो कफज गुलम होता है, तो उसमें भी अगर कर्व्याध रस का प्रयोग कर दिया जाए तो यह हर तरह के गुलम और जो अग्निमंदता की वजह से जो बीमारी है उसमें यह कर्व्याध रस का प्रयोग होता है। इसी तरह से जीर्ण ज्वर अगर रहा, अगर रुक्ष तेज बढ़ गया है 21 डेज के बाद ज्वर आ रहे कंटिन्यू रह रहे, तो उस अवस्था में भी प्लीहा वृद्धि हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आलस्य आता है, प्लीहा वृद्धि हो गई, जीर्ण ज्वर है, शरीर दुर्बल हो गया है, धातु दुर्बल हो गए हैं, उसके वजह से तंद्रा आती है, हर समय नींद आता है, ऐसा लगता है कि फ्रेश ही नहीं लग रहा, कितना भी सो लेकिन वो फ्रेश नहीं लगता, आलस्य आता है, गुरुता रहती है, शरीर में हैवी पना रहता है, फिर हृदयोत्क्लेश उल्टी आने जैसा, जी मिचाता है बार बार, और पूरा शरीर में थकावट रहती है, उल्टी भी हो सकती है बार बार, अरोचक होता है, खाना खाने में रुचि ही नहीं रहती है, यह जीर्ण ज्वर के बाद जो कंडीशन आ रही है, उपद्रव हो रहा है, ऐसे ही कंडीशन इसमें आ रहे पोस्ट कोविड के पेशेंट को आ रहे हैं, जिनको कोविड हो चुका है उनको खाने का इच्छा ही नहीं रहता। कल मेरे पास एक पेशेंट है पोस्ट कोविड, वो बोले कि डॉक्टर मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कब मैं मर जाऊं, मैं अपनी जान दे दूं, कुछ ना कुछ खा लूं। तो उसकी वजह से अगर प्लीहा देखे ना तो अग्निमंदता की वजह से प्लीहा की तरफ वहां हमने ना दबा के देखा तो स्प्लीनो मेगैली होती है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड लगता है और ऐसा लगता है स्पर्शासात हुआ, वहां टच नहीं करने देता, प्लीहा वृद्धि भी हो रही है। जो पोस्ट कोविड पेशेंट है जिनका पैथोलॉजी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उनका कुछ ना कुछ सिम्टम रह रहे हैं, हल्का हल्का बुखार भी रह रहे हैं, तो प्लीहा वृद्धि भी रह रही है, यकृत वृद्धि भी रह रही है, कुछ साइड इफेक्ट भी हुए हैं, एडवर्स साइड इफेक्ट मेडिसिन का साइड इफेक्ट की वजह से भी ऐसे कंडीशन आ रहे हैं। तो ये सब में अगर हमने हरितकी का अगर काढ़ा दे दिया, हरितकी के साथ अगर कव्याद रस का प्रयोग कर दिया तो इससे बहुत अच्छा फायदा होगा। और अगर हमने अगर बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन है जीर्ण ज्वर में तो हमको गुलकंद के साथ, आंवला के रस के साथ, आंवला के मुरब्बा के साथ या फिर दाड़िम के रस के साथ इसका क्रव्याद रस का प्रयोग कर दिया जाए तो जो जलन वगैरह है वह सब ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये हमने योजना नहीं की और ऐसे ही क्रव्याद रस दे दिया तो पेशेंट को ना बहुत ज्यादा बर्निंग होने लगा, पूरा शरीर में जलन होने लगता है, क्रव्याद रस का साइड इफेक्ट होता है मुंह में दाने दाने आते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिस तरह से चित्रकादी वटी का साइड इफेक्ट होता है उसी तरह से क्रव्याद रस का भी साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए क्रव्याद रस तो देना नहीं चाहिए किसको, पित्त प्रकृति वालों को, और पित्त का प्रकोप अगर हो गया है तो उनको नहीं देना चाहिए, उनके लिए दूसरी दवाइयों की योजना करनी चाहिए, उनको सुचेकर रस अच्छा है, प्रवाल पंचामृत, क्रव्याद रस से दूर रहिए, और कोई भी दवाई किसी को कभी भी मत दीजिए, साइड इफेक्ट भी होता है, जो दवाई का इफेक्ट होता है अच्छा उसको अगर गलत तरीके से कर दिया तो साइड इफेक्ट भी होता है। इसलिए चरक संहिता में बताया कि शस्त्रम शास्त्रम सलिलम पात्रापेक्षणता, मतलब शस्त्र शास्त्र और पानी जो है वो पात्र की अपेक्षा करते हैं। शस्त्र जो रहता है अगर किसी को सिखाया नहीं गया और बिना गुरु के वो खुद ही सीख लिया तो वह अगर शस्त्र को चलाएगा तो क्या करेगा, गलत भी चला सकता है। जैसे अश्वत्थामा ने अपने एनमाइटी को दुश्मनी को निकालने के लिए उसने अस्त्र छोड़ दिया था, और अर्जुन को भी सब ब्रह्मास्त्र वगैरह पाशुपत अस्त्र सब मिला था, लेकिन उनको यह सब स्ट्रिक्टली बताया गया था कि आपको अस्त्र का प्रयोग दुष्टों को संहार करने के लिए करना है, किसी निर्बल पे नहीं करना है। तो अर्जुन जो थे उनको इसलिए ना वो पात्र की अपेक्षा करते हैं, जो भी विद्या हम लोग दे रहे हैं वह अगर अच्छे इंटेंशन से किया जा रहा है तो उनको वही पात्र हैं, उनको ही फायदा होगा। अगर आपको जानकारी नहीं है
पात्र का मतलब यह है कि अधूरा ज्ञान वालों को, अगर वो पात्र नहीं है तो अगर उनको क्रव्याद रस दे दिया जाए वह वो नुकसान ही करेंगे, उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। और आयुर्वेद बदनाम होता है, लोग को मालूम नहीं रहता, लोग क्या करते हैं, किसी को मेंसेस नहीं आ रहे रजा प्रवृत्ति निवटी दो, किसी को अगर भूख नहीं लग रही चित्रकादि वटी दो, अग्नि तुंडी वटी दो, किसी को भूख नहीं लग रही कव्यात रस दो, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति देखना चाहिए, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वया, यह देख के तब दवाई देना चाहिए। उसी तरह से प्लीहा वृद्धि रहती है, उसी तरह से यकृत वृद्धि अगर होगी, हेपेटो में ही नहीं है, पेट में जमा ही रहता है, मुंह से लार बहुत ज्यादा आता है, उल्टी होगा कब उल्टी होगा ऐसा फीलिंग होता है, लोग एक ही चपाती खाते हैं लेकिन पचता ही नहीं पूरा दिन दिन भर। उसी तरह से खांसी बहुत आती है, बहुत ज्यादा पानी पानी ऐसे मुंह से झाग आने लगता है, बहुत ज्यादा थूक आने लगता है। उसी तरह से पेट ऐसा भरा भरा रहता है, पेट फुला हुआ रहता है, रोगी को ऐसा लगता है कि बल और मांस उसमें है ही नहीं, कमजोरी बहुत ज्यादा है, उसको चला भी नहीं जाता, और उसको बहुत ज्यादा आम युक्त जो खांसने पे बहुत सारा ऐसा बलगम निकलता है, अगर वो शौच को जाता है तो बार बार आव पड़ा हुआ रहता है, सफेद जो मैदा का पानी रहता है उस तरह का मैदा का पानी आव पड़ा हुआ रहता है, वो सारा ग्रहणी कला दूषित होने से आगे संग्रहणी नाम की बीमारी में हो जाता है। तो उसमें कुछ तो दीपन पाचन द्रव्य देना है, तो क्रव्याद रस देने से फायदा हो जाता है। उसी तरह से अगर प्रोस्टेटो मैगैली है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, और बीपीएस जो बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटो हेपेटो मैगैली, सॉरी बिनाइन प्रोस्टेट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें देने से फायदा होता है। एडेनोमायोमा अगर हुआ, फिर उसके बाद लिम्फोडेन कर देता है। अग्नि प्रदीप्त हो तो कोई भी तरह का गांठ रहे, भले वो कैंसर का रहे, मैं कैंसर पे कुछ बताऊंगा बाद में कभी, तो कैंसर की गांठ रहे या बिनाइन रहे, उन सब तरह में बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से श्वास का अगर वेग आ रहा है, बार बार सांस फूल रहा है और बहुत ज्यादा ऐसे मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, श्वास कृचता हो रही है, तो उसमें वायु जो है वो प्रकुपित हुआ रहता है, कभी भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी सांस फूलने लगती है, तो ये क्या करता है कि मल को अच्छे से अवरोधात्मक संप्राप्ति को भंग करके मल को अच्छे से कर देता है, तो इसलिए पेशेंट को श्वास का वेग जो लग रहा है वह ठीक हो जाता है, क्योंकि वायु को अनुलोमित कर दिया, प्राकृत अवस्था में ला दिया, तो सांस जो फूल रहा है वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से जलोदर की अवस्था रहती है, पेट में पानी जमा रहता है बहुत ज्यादा, स्निग्ध भोजन सेवन किया जाता है, गुरु अन्न का सेवन किया जाता है, और उसके वजह से यकृत वृद्धि हो जाती है जलोदर की अवस्था में, और उसमें शरीर सफेद पड़ जाता है, पेट फूला हुआ रहता है, शरीर में मांस एकदम स्केलेटल की तरह दिखता है, और पूरे बॉडी में चींटियां काट रही है, इस तरह से टिंगलिंग नमनेस होने लगता है, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, पेट बहुत ज्यादा टाइट होने लगता है, उसी तरह से पूरा शरीर ऐसा लगता है कि अकड़ गए, पूरा पेट में पानी जमा होने लगता है, तब क्रव्याद रस का प्रयोग कर देंगे किसी आसावरिष्ट के साथ, जैसे मृद्विका रिष्ट हो गया, द्राक्षासव हो गया, द्राक्षारिष्ट हो गया, कुमार्यासव हो गया, पिपल्या सब हो गया, और अगर पित्त का कंडीशन है तो मतलब पित्तोदर है तो सारिपाद्या सब, उशिरा सब, ये दशमूला रिष्ट, इन सब पुनर्नवासव, अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो पुनर्नवासव, जो जो व्याधि है उस हिसाब से अगर दे दिया, प्लीहा वृद्धि बहुत ज्यादा है तो रोहितका रिष्ट के साथ दे दिया, तो ऐसे बहुत सारा दवाई है, ये जाम्बवासव हो गया, फिर मधुकासव हो गया, फिर बहुत सारी दवाइयां हैं, अभी मुझे इतना जल्दी जल्दी याद नहीं आ रहा, तो बहुत सारी दवाइयां हैं आसावरिष का प्रयोग करके अगर हमने इसकी योजना की तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्रव्याद रस जो है ये जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बनाया गया है, जो लोग स्निग्ध आहार का सेवन ज्यादा करते हैं, गुरु आहार का सेवन ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाने की इच्छा है, खादार लोग जो रहते हैं, जो मतलब उनका एक ये रहता है कि खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, खाना खाने के लिए ही जो जीते हैं, उनके लिए यह बहुत श्रेष्ठ दवाई है। इसमें अगर पर्पटी देखेंगे तो ताम्र और लौह जो है वो योगवाही है, और पारगंधक भी योगवाही है, रसायन है, बल्ल है, नींबू का जंबीरी नींबू का इसमें रस की भावना दी है तो ये पाचक बन जाता है, पंचकोल डाला है और अम्ल रस डाला है, लवण डाला हुआ है, विड़े नमन भी डाला है और काली मिर्च भी डाला है, तो ये दीपन शक्ति बढ़ा देता है। टंकनसार है वह कोथनाशक है, आक्षेप को दूर कर देता है। उसी तरह से चना के शारोदक की भावना है तो वह क्या करता है, मैंने जो इसमें बताया था कि इसमें
चव्य चित्रक शुंठी ये सब बताया था। तो एक जगह ना, एक मिनट रुके, एक जगह में जो नमक, इसमें कौन सा लवण डाला हुआ है वो बताना भूल गया मैं, शुद्ध गंधक, हाँ विड़ नमक, विड़ नमक जो है वो मैंने लास्ट में जो बताया था कि इसमें चणकाम्ल, चने के पानी का वो भावना दे दिया, सात भावना दिया, उसके पहले टंकन चार डाला और विड़ नमक यह भी डाला है। तो नमक क्या करता है कि वहां पे जो भी स्रोतोरज जन संप्राप्ति है उसको कफ को विलयित कर देता है, आम का पचन करता है, इसलिए नमक भी डाला है, कटु रस भी डाला है और क्षार भी डाला हुआ है, इससे इसी की वजह से बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बन जाता है। इसी तरह से इसमें और हम लोग देखेंगे ना, और इसमें एरंड के पत्ते की पत्ते से यूज किया है, केले का पत्ता यूज नहीं किया, एरंड का भी गुण जो है वह यकृत पे कार्य रहता है, इसलिए एरंड के पत्ते पे परपट्टी बनाया। इसमें फिर और देखेंगे तो पित्त का, और इसका साइड इफेक्ट यह है कि पित्त प्रकृति वालों को और जिनको अम्ल पित्त का तकलीफ है या पित्त की व्याधियां हैं उनको ये कड़वयाद रस बिल्कुल भी नहीं देना, उनको साइड इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह प्रयोग कर दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है, यह संचित आव को नष्ट कर देता है, आम का पचन कर देता है, उदर वृद्धि अगर है, तोंद निकला हुआ है उसमें बहुत अच्छा कर देता है, शरीर की स्थूलता को कम कर देता है, फिर यह अर्श रोग में फायदा करता है, बवासीर में अच्छा काम करता है, शूल रोग में, गुल्म रोग में, पिपलिया रोग में, ग्रहणी रोग में, अगर रक्त अति स्त्रोतोरोध की वजह से रक्तस्राव हो रहा है उसमें अच्छा काम करता है, वातिक ग्रंथि है, अगर कहीं पर भी गांठ है किसी भी तरह का अर्बुद है, ग्रंथि है, उसमें बहुत अच्छा काम कर देता है, या आम को और कफ को पचाकर पाचक अग्नि को सबल बना देता है, स्ट्रांग बना देता है, फिर अजीर्ण में अच्छा काम करता है, गुल्म में अच्छा करता है, आधमान में अच्छा काम करता है, उदावर्त में अच्छा काम करता है, अरुचि में, अश्रद्धा, आस्य वैरस्य, अनन्ना भिलाषा, अरोचक सभी में अच्छा काम करता है। फिर जिनको भूख नहीं लगने, लोग बोलते हैं कि हम तो सब कुछ खिलाते हैं लेकिन बच्चे को भूख ही नहीं लग रही, उनको भी अगर कड़वयाद रस का सेवन कर दे तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर पाचक पित्त की कमजोरी के कारण अगर जठराग्नि मंद हो गई है और खाई हुई चीजें पच नहीं पाती है, अच्छे से धातु परिपोषण क्रम नहीं हो रहा है, आम रस का संचय बहुत ज्यादा हो रहा है, आम बहुत ज्यादा जमा होने की वजह से आमाजीर्ण हो रहा है, रस शेषाजीर्ण हो रहा है, और रस शेषाजीर्ण के बारे में माधव निदान में बताया है कि अगर खट्टा दही का पात्र अगर मटके में डाल के रखा है और हम लोग वही वही यूज करें, खट्टा है वो, मीठा नहीं है, खट्टा है, बासी है, उसी में हम फिर दूध डाल देंगे तो जो दही बनेगा वो खट्टा बनेगा। तो इसी तरह से रस शेषाजीर्ण की वजह से क्या होता है, आहार रस जो रहता है वह विकृत रहता है पहले से ही, और उसमें खाना खाएंगे तो फिर हाइपर एसिडिटी होगा, अजीर्ण होगा, और उसके वजह से कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वह फिर जाके शिरशूल करेगा, माइग्रेन कर देगा, पेट खराब रहेगा, हर समय कॉन्स्टिपेशन रहेगा, खाना नहीं पचेगा, ग्रहणी व्याधि भी हो सकती है जिसमें मोहर बद्धम मोहर द्रवम ऐसे मल प्रवृत्ति होगी, और IBS हो सकता है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, फिर में कड़वयाद रस देना है कि नहीं देना है। अगर रक्त प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो इसका प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये इसमें पंचकोल है, चित्रक है, पिपली पिपली मोल चित्रक शुंठी चित्रक है ना, तो ये और बढ़ा देगा, एग्रेवेट कर देगा, इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो लोगों का पित्त प्रकृति नहीं है, वात और कफज प्रकृति है और वात और कफ का उसमें संप्राप्ति में सिम्टम दिख रहा है, उनको ही कड़वयाद रस देना है, ऐसे ही ब्लाइंडली ये दवाई मत दीजिए, साइड इफेक्ट होता है तो बहुत होता है। मेरे पास एक पेशेंट आ रहा था, उसको यही था, अल्सरेटिव कोलाइटिस था, तो उसको मैंने उसका हेतु पूछा, उसने बोला कि मुझे पहले पाइल्स हुआ था, बवासीर हुआ था, तो मैं जो खानदानी आयुर्वेदिक दवा खाने वाले तंबू वाले होते हैं ना बाबा लोग, जो खानदान खानदानी लेके आते हैं और कहीं कहीं वो स्टॉल लगाते हैं, ऐसे तंबू लगाते हैं और दवाइयाँ देते हैं, पैसा कमाते हैं और भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ है, और बहुत सारा ऐसे प्रचार करते हैं, उनका ऐसे स्पीकर ऑन रहता है कंटिन्यू कि वैद्यराज 5 रुपए में नाड़ी परीक्षण करेंगे, वैद्यराज ये करेंगे वो करेंगे, तो उसी जो अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं खानदानी आयुर्वेदिक दवा खाने वाले, उनको एनाटॉमी नहीं मालूम होता, फिजियोलॉजी नहीं पता होता, संप्राप्ति नहीं पता होता, दोष दृष्टि समूर्छना नहीं पता होता, स्त्रोतस नहीं पता होता, द्रव्य गुण का रस वीर्य विपाक नहीं पता होता। तो जब उसको बवासीर हुआ तो उसने एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाया, तो एलोपैथी के डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा, अब उसको सर्जरी करना नहीं था तो वो वहां गया खानदानी आयुर्वेदिक दवा खाने वाले के पास, उसने 10,000 रुपये लिया और उसको कुछ दवाई दी, और उसमें क्या था तो भल्लातक डाला था, और भल्लातक की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि पाइल्स को तो वो सुखा दिया लेकिन अंदर ही अंदर अल्सरेशन हो गए, और 150 अल्सरेशन हो गए लार्ज इंटेस्टाइन में,
पूरा अंदर अंदर जख्म जख्म जख्म, और उसको इतना पेट दर्द होता था, रात भर 12-13 लूज मोशन, और उसमें खून ब्लड आने लगता था, और उसके बाद में मल प्रवाहिका भी लक्षण, सारे बार बार ब्लड चढ़ाओ, मिसाकोल खाओ, स्टेरॉयड खाओ, ये सारा साइड इफेक्ट किससे हुआ? खानदानी आयुर्वेदिक दवा खाने वाले वजह से, कि नॉलेज नहीं है, और उसने कहीं तो पढ़ लिया है कि भल्ला तक खिलाने से बवासीर ठीक होता है, और जिसको मालूम नहीं है उनसे इलाज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया है छद्मचर वैद्य के बारे में बताया है। आप लोग छद्मचर वैद्य मत बनिए, अगर फॉर्मूला वाला, टोटका वाला, या कोई सिद्ध साधित वैद्य मत बनिए कि किसी ने कुछ फॉर्मूला बता दिया और उसको दवाई दे दिया, ऐसा मत बनिए। छद्मचर वैद्य, प्राणाभिसर वैद्य बनिए, जो प्राणों की रक्षा करता है, इस तरह के वैद्य बनिए। इसके लिए वो मेरे पास पेशेंट है, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद के साइड इफेक्ट लेके पेशेंट आते हैं, कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ गलत तरीके से दिया गया तो साइड इफेक्ट हुआ। चित्रकादी वटी का साइड इफेक्ट से बहुत सारे पेशेंट आए हैं, रजा प्रवर्तिनी वटी के साइड इफेक्ट से बहुत सारे पेशेंट आए हैं। इसलिए गलत दवाइयाँ मत दीजिए, आयुर्वेद बदनाम होता है और आपका प्रैक्टिस जीरो हो जाता है। पहले बहुत अच्छा लगता है कि पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, गलत दवाई देंगे तो पेशेंट का जो नुकसान होता है वो आपको सब जगह बदनाम करेगा, फिर आपके पास एक भी पेशेंट नहीं आएंगे। मैं जहाँ चंदनगर में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ बड़े बड़े जो वैद्य थे उनका प्रैक्टिस चला 2 साल 3 साल, बहुत चला, उसके बाद में आज मक्खियाँ मारने को बैठे हैं, उनका प्रैक्टिस ही नहीं चलता, क्योंकि इतना साइड इफेक्ट कर दिया उन लोगों ने, इतना साइड इफेक्ट कर दिया कि लोग घबराते हैं कि उनके पास नहीं जाने। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस करते थे। फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस मत करिए, आप लोगों को पढ़ना जरूरी है कि कौन से अवस्था में क्या दवाई देना है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि पित्त प्रकृति वालों को नहीं देना है, इसमें चित्रक डाला हुआ है, बहुत स्ट्रांग दवाई है, टंकन क्षार डाला हुआ है, यह दवाई मत दीजिए पित्त प्रकृति वालों को। फिर अजीर्ण अगर पुराना हो गया, मल संचय हो गया, दूषित विष की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो रही है, और मल बहुत दिन तक अंदर रहने से अलसक, विषप, विलंबिका और कॉलरा, ऐसा विसूचिका, ऐसी बीमारियां कर रहे हैं, उसमें कड़वयाद रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर विषम ज्वर जब रहता है, मतलब एक दिन छोड़ के अगर बीमारी आ रही है, संतत सतत त्रितक, संतत तथा अन्य दुष्ट त्रितक चतुर्थक, यह जो ज्वर है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, मलेरिया के ज्वर में फायदा करता है, या फिर उसके बाद में ये डेंगू और चिकनगुनिया के फीवर में काम करता है। इसका प्रयोग जो है कोविड के पेशेंट में करिए, लेकिन पित्त प्रकृति वालों को बिल्कुल भी मत करें, नहीं तो यह नुकसान पहुंचाएगा, नाक से खून आने लगेगा, रक्त पित्त जैसे भी व्याधियां होती है, क्योंकि टंकण क्षार है इसमें, चित्रक है तो साइड इफेक्ट होता है, चित्रक सभी को सूट नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको चित्रक की कोई भी दवाई डाला तो पूरे बॉडी में रैशेस आने लगते हैं और पित्त प्रकोपित हो जाता है, साइड इफेक्ट होते हैं। चित्रक वाली दवाइयाँ सबको सूट नहीं होती हैं, उनके शरीर में और दाहा होने लगता है, दाहा, पाक, लालिमा, और पूरा शरीर में जलन होने लगती है, पित्त प्रकृति वाले को नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया है, गॉल ब्लैडर निकाल दिया है, पूरा बॉडी में बर्निंग हो रहा है और उनको भूख नहीं लग रही है, तो लोग क्या करते हैं, भूख नहीं लग रही है, चलो चित्रकादी वटी दे दो, चलो कड़वयाद रस दे दो, तो गॉल ब्लैडर नहीं वो निकाल दिया है, पित्त डायरेक्ट निकल रहा है, बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, और उसमें आप कड़वयाद रस देंगे और बर्निंग हो जाएगा और साइड इफेक्ट होगा। इसलिए ध्यान से किसको देना है किसको नहीं देना, वो ध्यान में, रक्तज अगर अर्श है या रक्तज प्रवाहिका है, अधोग रक्त पित्त है, उसमें बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर रक्तज प्रवाहिका में देंगे तो और वो रक्त आने लगेगा, अधोग रक्त पित्त में और आने लगेगा, रक्तज अर्श है उसमें बिल्कुल भी मत दीजिए, रक्तज अर्श में और ब्लीडिंग होने लगेगा, क्योंकि चित्रक है, टंकण क्षार है, साइड इफेक्ट होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। और दूसरा है कि कफादि के कारण, कफ का अगर लेयर ज्यादा वहां जमा हो गया अधो आमाशय में, तो फिर क्या होता है, अग्निमान देता हो जाती है, तो यह कफ का कफ को सुखा देगा, कफ को पचा देगा, अग्नि को प्रदीप्त कर देगा, तो कफज ग्रहणी को भी ठीक कर देता है। उसी तरह श्वास रोग में मैंने बताया कि वायु अगर पूरा शरीर में प्रतिलोमित हो गया है, मल संचिति हो गई है, उसके वजह से मल अच्छे से नहीं निकल पा रहा, इसलिए श्वास रोग है, तो ये कफ को सुखा देता है, मतलब कफ जो लीन कफ, स्टैन कफ जो जमा है उसको ठीक कर देता है, वायु को अनुलोमित कर देता है, तो ये श्वास कास्ट में बहुत अच्छा फायदा करता है। तो इस तरह से कड़वयाद रस अलग अलग अवस्थाओं में मैंने उपयोग बता दिया। या आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, 1 घंटा का लेक्चर हो गया, अब मैं आप लोगों को नमस्ते प्रणाम करता हूँ, आप लोगों के प्रश्न है उसका यूज करिए।
देखिए डॉक्टर पंकजा पाटिल ने वही गलत क्वेश्चन पूछा, आईबीएस में यूज कर सकते क्या? आईबीएस कफ और वायु, इसको देखना है, और ग्रहणी रोग देखना है। आईबीएस करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ना, इसको इसका प्रयोग देखिए आप। अगर आप गलत करेंगे तो आपका प्रैक्टिस डूबेगा, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रैक्टिस डूबेगा। तो इसीलिए पित्त प्रकृति वालों को पित्तज ग्रहणी में इसका प्रयोग नहीं करना है। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर आरती जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको। 1 मिनट, ये हैंग हो रहा है, 2 मिनट रुक जाइए। वंदना पाठक मैडम जी बोल रही हैं कि पित्त प्रकृति में अनुपान चेंज करके दे सकते हैं क्या? पित्त प्रकृति वालों को मैंने अनुपान चेंज करके भी दिया है, तो बहुत सारे लोगों को सूट करता है, बहुत सारे लोगों को नहीं सूट करता। क्रव्याद रस जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है पित्त प्रकृति वालों के लिए। अनुपान चेंज भी करेंगे तब भी उनको साइड इफेक्ट होता ही है, पूरा बॉडी में रैशेज होते हैं, अम्ल पित्त होता है, इसलिए पित्त प्रकृति वालों के लिए नहीं बनाई है ये दवाई। इसको ध्यान में दिमाग पे रख लीजिए कि पित्त प्रकृति या पित्त की व्याधि में नहीं देना है। डॉक्टर अश्विनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। बच्चों में दे सकते हैं क्या? बच्चों में दे सकते हैं, जो कफ का काल रहता है, कफ की व्याधि है तो दे सकते हैं, एक एक गोली सुबह शाम दीजिए। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम। कंटिन्यू नहीं देना चाहिए, तो बॉडी में रुक्षता बढ़ती है, साइड इफेक्ट होता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। और इसका सेवन जब करा रहे हैं तो घी का और तक्र का सेवन जरूर कराइए। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। देखिए राजकुमार धवन जी ने वही क्वेश्चन पूछा जो मैंने मना किया, रक्तार्श में नहीं देना है। रक्तार्श में अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए ब्लीडिंग पाइल्स और बढ़ जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, यह पित्त को बढ़ाता है, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता बढ़ा देता है, अम्लता बढ़ा देता है, क्योंकि सारी गर्म दवाइयां हैं, उष्ण विधात्मक है और क्षार है, क्षार का साइड इफेक्ट होता है, रक्तार्श में नहीं देना है इसको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं धातुगत आम में काम करता है या फिर सुपोषण का काम करता है, या दोनों, आपका दोनों क्वेश्चन में दोनों काम करता है, धातुगत आम में भी काम कर रहा है, पोषण का भी काम करता है, दोनों में ये काम करता है। डॉक्टर शिल्पा मिश्रा जी वही क्वेश्चन पूछ रही हैं, पित्त प्रकृति वालों को नहीं देना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यह हमारे बहुत जो परंपरा से आ रहा है, उन लोगों ने डायरेक्ट बोला है पित्त प्रकृति वालों को नहीं देना है, पित्त प्रकृति वालों का ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है ये। डॉक्टर सनातन जी बोल रहे हैं कि कफ पित्त वात प्रकृति के लिए व्यक्ति में क्रव्याद रस या चित्रकादी वटी 10 से 15 दिन देने से अगर एसिडिटी ब्लीडिंग होने लगे, साथ में यष्टिमध्य प्रवाल पिष्टी दे सकते हैं? आप उसको दीजिए ही मत, अगर जिसको चित्रकादी वटी नहीं सूट कर रही है उसको क्रव्याद रस चित्रकादी वटी मत दीजिए, उसको देना ही नहीं है। चित्रकादी वटी जो है वो एक दिन एक बार दे दिया तो ठीक है, क्रव्याद रस दे दिया तो ठीक है, यह 10 और 15 दिन तक देंगे, आप व्याधि बना रहे हैं, आप डॉक्टर हैं कि राक्षस हैं? आपको नहीं देना है, जिनको एसिडिटी हो रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, नहीं देना है। उसका साइड इफेक्ट हटाने के लिए आपने जो बोला यष्टि मधु देना है, प्रवाल पिष्टि देना है, वो सही है, लेकिन यह चित्र का छाले भी आते हैं, क्रव्याद रस का प्रयोग करने से मुंह में अल्सरेशन हो जाता है, इसका बात याद रखिए। चित्रक जो है और जो क्षार वाले जो द्रव्य हैं उसका प्रयोग नहीं करना है, वो भले कफ वात प्रकृति के भी हों, जिनको साथ में नहीं है उनको नहीं देना है, आयुर्वेद का भी साइड इफेक्ट होता है, इसका ध्यान में रखिए। डॉक्टर प्राजक्ता जी बोल रहे हैं प्रेगनेंसी में अग्निदीपन करने के लिए दे सकते हैं, दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं। डॉक्टर दिवांशु जी बोल रहे हैं कि वैद्य जी का अगर संभव हो तो दूषी विष और बिलवादी अगद इस पे इलेक्शन दीजिए। हाँ मैं दूंगा, दूषी विषारी अगद और बिलवादी अगद पे दूंगा, अभी तो 4 दिन का सर ने बना दिया है मेरा, 4 दिन का 4 लेक्चर है, उसके बाद में मैं लूंगा। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश जी बोल रहे हैं कि ओबेसिटी में मेदोहर गुगुल आरोग्यवर्धिनी चंद्र प्रभा वटी के साथ दे सकते हैं? 100% दे सकते हैं, मेदो वृद्धि में तो देने से बोला है कि यह पूरा मेद का पचा देता है, मतलब दूसरे अग्नि को प्रदीप्त कर देता है और विकृत मेद का पाचन कर देता है, इसलिए देना है। पीसीओडी में देना है तो देना है, जिसको साथ में नहीं है उनको तुरंत बंद करिए। चित्रकादी वटी क्रव्याद रस जिसमें चित्रक है नहीं देना है।
डॉक्टर राजकुमार जी बोल रहे हैं कि औषध सेवन काल और अनुपान पे लेक्चर दें, मैं जरूर दूंगा। डॉक्टर ममता जी नमस्ते प्रणाम आपको। निक पाटिल जी बोल रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन को ताकत देता है, यह लार्ज इंटेस्टाइन को ताकत देने वाली दवाई नहीं है, वहाँ से पाचक वहाँ का पाचन अच्छा करने वाला है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अच्छा करता है। ताकत देने के लिए तो दूसरे भस्म है ना, यशत भस्म है, नाग भस्म है, वह भस्म ताकत देते हैं, यह और या फिर बस्ती चिकित्सा ताकत देती है, यह ताकत नहीं देता है, यह वहाँ की क्रिया को अच्छा करता है। वैद्य अखिलेश गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी बोल रही हैं वेलकम अंजलि। रिड्यूस क्लेद, हाँ 100% क्ले, जहाँ पर भी क्ले की संप्राप्ति है वहाँ देते हैं। पित्तज पांडु में नहीं देना चाहिए, बाकी कफज पांडु में दीजिए, वातज पांडु में दीजिए, जहाँ पर भी क्लेद है, कुष्ठ रोग में भी दीजिए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट के पित्त बढ़ना नहीं चाहिए, उसको ध्यान में रख के करिए। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं यकृत फैटी लिवर में कैसे यूज़ करें, क्या एक एक गोली दीजिए, फायदा होगा, महातिक्त अग्रहित के साथ देंगे तो फायदा होगा। पूजा पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रहे हैं कि स्प्लीनोमेगैली में क्या अनुपान होगा, स्प्लीनोमेगैली में पहले पित्त प्रकृति है तो उनको साथ में है कि नहीं, वह आपको चेक करना पड़ेगा, 2-3 दिन दीजिए, अगर उसका पित्त का प्रकोप नहीं हो रहा तो उसके लिए साथ में है। और स्प्लीनोमेगैली में रोहित का रिष्ट आता है, रोहित का रिष्ट के साथ या रोहित घृत के साथ दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर पूजा जी को ये बोल रहे हैं कि कहाँ से हैं पूजा जी, प्रतीक जी बोल रहे हैं कि पित्त ज्वाला कर देना हो तो अनुपान क्या रखें और बच्चों में प्रेगनेंसी में डोज क्या रखें, पित्तज वालों को साथ में है कि नहीं वह आपको चेक करना पड़ेगा, 2-3 दिन दीजिए, अगर उनको सूट करा है तभी दीजिए, अगर नहीं सूट करा है तो बंद करिए। चित्रकादी वटी, अग्नि तुंडी वटी, फिर ये जो उष्ण विरयात्मक द्रव्य हैं उनको नहीं देना है। बच्चों को देना है तो एक एक गोली दीजिए, आधा दो गोली या 1/4 गोली दीजिए, और प्रेगनेंसी में भी बहुत कम मात्रा में दीजिए, लेकिन यह इतना स्ट्रांग दवाई प्रेगनेंसी में क्यों देना है, आप प्रवाल पंचामृत दीजिए, वह भी तो दीपन डॉक्टर रितिका बाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोवरान प्रजापति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रेष्ठा जी बोल रहे हैं अम्ल पित्त भी तो पित्त के कारण होता है, वहाँ कैसे देंगे, आप मत दीजिए ना, अम्ल पित्त की दवाई है क्या यह क्रव्याद्रस, अम्ल पित्त की दवाई नहीं है, अम्ल पित्त की दवाई प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, सुशेखर रस, वह है, यह क्रव्याद्रस अम्ल पित्त की दवाई नहीं है, पित्त और एग्रेवेट करेगा, इसको मत दीजिए, चित्र है तो पित्त और बढ़ा देगा। डॉक्टर राम जी बोल रहे हैं जब आप समझाते हैं तो सुनते ही रहे ऐसा लगता है। डॉक्टर ज्योति बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं कि प्रणाम, इसमें पथ्यापथ्य आहार क्या दें, इसमें पथ्यापथ्य आहार नहीं है, जो लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खा रहे हैं उनको उनके लिए तक्र का सेवन उल्लंघन कराएं, बस इतना ही पथ्यापथ्य। और दूसरा क्या है कि अपथ्य क्या अवॉइड करें, तो बासी खाना मत दें, और दूसरा पित्तवर्धक आहार विहार, बहुत ज्यादा विदाही पदार्थ, रात्रि जागरण, यह भी अपत्यकर विहार है, रात्रि जागरण, अति मैथुन और क्रोध, क्रोधात पित्तम, ज्यादा क्रोध करेंगे और क्रव्याद्रस कहेंगे तो और पित्त बढ़ेगा, इसलिए क्रोध ना करें। और दूसरा बात है कि ऐसा पत्ते पत्ते जो सामान्य पत्ते पत्ते हैं वही उसको फॉलो करना है। सुरभि जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैंने इस क्रव्याद्रस का साइड इफेक्ट देखा है, मैंने देखा है में हाइपोथायराइड और क्रव्याद्रस, ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, आपको वात पित्त कफ के हिसाब से डायग्नोज करना है। डॉक्टर अनुरीता जी बोल रहे हैं कि सुपरबली एक्सप्लेन हाउ क्वार्क्स प्रैक्टिशनर एज पीपल स्टडी ऑन गूगल, हाँ सच में इसका साइड इफेक्ट होता है, क्रव्याद्रस का साइड इफेक्ट, तो मैं आपको एक किताब लिख सकता हूँ ये पूरा कि क्रव्याद्रस का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, जो मैंने अपने कलिक्स में देखा है, मतलब कलिक्स जो देते हैं उनके क्या होते हैं, और फिर हमारे सर लोग के स्टूडेंट्स हैं वह लोग देते हैं तो क्या साइड इफेक्ट होता है, वह मैं पूरा किताब लिख सकता हूँ साइड इफेक्ट्स पे, और वह भी क्रव्याद रस पे लिख सकता हूँ,
जिन लोगों ने इसका यूज़ किया है और क्या क्या तकलीफ हुआ, कितने पेशेंट में क्या क्या साइड इफेक्ट हुआ, पूरा किताब लिख सकता हूँ। डॉक्टर प्रतिभा जी बोलते हैं माइग्रेन में लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या दे सकते, आप ना अभी इंटरेक्टिव सेशन में आए तो बता देंगे। अनुरिता जी बोल रहे हैं कि सर VCKDA वालों ने लोगों को नाम मत रखिए, डांट पड़ेगी। मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ, मेरे पास सारा प्रूफ है कि लोगों ने क्रव्याद रस दिया और साइड इफेक्ट हुआ। डॉक्टर रचना जी बोल रही हैं प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता जी बोल रहे हैं कि एक एक गोली दीजिए ना, एक एक गोली सफिशियंट है, क्रव्याद रस देना है तो इतना। प्रणाम आपको। डॉक्टर बबली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते, कितने दिन यूज कर सकते हैं इसके लिए? ऐसा बता देंगे 42 डेज कोई भी रसकल्प देना चाहिए। रसकल्प के लिए नियम रहता है। डॉक्टर रितिमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील पुंडे जी बोल रहे हैं साइड इफेक्ट में क्या दें। साइड इफेक्ट अगर हो रहा है तो एक तो सबसे पहले इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अगर मुंह में छाले पड़ गए, बहुत ज़्यादा छाले पड़ जाते हैं क्रव्याद रस की वजह से, चित्रक है और क्षार है इसमें, उसके वजह से मुंह में छाले पड़ गए, तो छालों में हम लोग क्या देते हैं, गुलकंद खिलाइए बहुत ज़्यादा। फिर पित्त का शमन करने वाली सारी चिकित्सा देना है, या जैसे कि जाति फलादि चूर्ण मुंह में लगा दीजिए, इरी मेदादि चूर्ण लगा दीजिए। पूरा बॉडी में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इतना ऐसे और कुछ लोगों को क्रव्याद रस का देने से गुद में पाक हो गया, फिर गुद में दाह हो गया, मतलब मल प्रवृत्ति के समय बर्निंग होता है बहुत ज़्यादा, जिनको नहीं देना चाहिए उनको दिया गया कंटिन्यू, तो उसमें फ्रूट जूसेस वह सब देने से फायदा हो जाएगा। इसका ध्यान से ही प्रयोग करिएगा, साइड इफेक्ट बहुत होता है। डॉक्टर मनीष जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हेमंत शाह जी बोल रहे हैं दंडवत प्रणाम आपको, थैंक यू, आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद। डॉक्टर मनीषा जी बोल रहे हैं प्रणाम, पथ्य पथ्य बताए, बता दिया मैंने पथ्य। पथ्य जो है इसका सेवन कब करना है वह मैंने बताया। अपथ्य है कि बासी खाना मत खाइए, पित्तवर्धक कार्य इसका सेवन करो, दारू पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, इसका सेवन क्रव्याद रस का सेवन करो, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, ये सब नहीं करें, पित्त और प्रकोपित होता है, तंबाकू खा रहे हैं, चाय ज़्यादा पी रहे हैं, यह अपथ्य है। और पथ्य है तो गुलकंद खाइए, आंवले का रस खाइए, यह पथ्यकर आहार है, औषधि है। डॉक्टर श्रीदेवी जी, अच्छा श्रीदेवी जी आ गई यहाँ पर, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुरभि जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर पंकज जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता जी बोल रहे हैं अर्थराइटिस केस डिस्कस, इंटरेक्टिव सेशन में आइए ना 15 मिनट बाद लोग करेंगे। डॉक्टर अनुरिता जी नमस्ते। डॉक्टर प्राजक्ता जी बोल रहे हैं हाउ टू ज्वाइन इंटरेक्टिव सेशन, मैं अपना नंबर देता हूँ और इंटरेक्टिव सेशन का मैं पासवर्ड आईडी देता हूँ, उसमें आइए आप लोग, फिर हम लोग ना वहाँ डिस्कस करेंगे। क्रव्याद रस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साइड इफेक्ट होता है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइड इफेक्ट होता है तो मत दीजिए उन लोगों को, उनके लिए दवाई नहीं बनी है ये। देखिए मैंने उसका अच्छे चीज़ भी बताया कि फ़ायदा भी होता है, लेकिन इसका गलत यूज़ किया, गलत लोगों के लिए यूज़ किया, साइड इफेक्ट होता है इसको मत दीजिए, आपका नाम खराब होगा, आयुर्वेद का नाम खराब होगा। कभी भी कोई भी ऐसा दवाई नहीं देना है कि नाम खराब हो। अभी देखिए मैंने अपना